This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया है, उसके बाद मैं सिंपल क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो वो एक क्लिक के अंदर मुझे यहाँ पर देखें आपके सामने 60 उसने मुझे क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करके दे दी है। उसके अलावा जो रैम होगी वो हम यहाँ पर रखेंगे 32 GB, ठीक है। ये देख लें आपके सामने मैंने 32 GB रख दिया है। अच्छा, यहाँ पर अब आप चाहें तो इसका यूजर नेम IP एड्रेस कॉपी करके अपने किसी दोस्त को भेज दें, वो भी लॉग इन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हो। लाइक वैसे ही काम करेगी जैसे एक पेड RDP वर्क करती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमने रैम रखी थी 32 GB, हमें इस फ्री RDP के अंदर रैम मिल चुकी है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, और जो विंडो सर्वर है वो 2025 है जो हमने RDP बनाते वक्त रखा था। अब आप इस RDP के अंदर जो चाहे अपनी मर्जी से जोन सा चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सिटी है वो डेलस है, और जो रीजन है वो ऑरेगन है, और जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट है, मतलब कि USA की हमें ये फ्री RDP देखने को मिली है। मिनिमम आपको 2 GB का इंटरनेट मिलता ही मिलता है इस फ्री RDP में, जिसमें आप अपना कोई सा भी हैवी टास्क भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। मेरे इस चैनल की ऑडियंस मुझे सबसे ज्यादा डिमांड करती है कि भाई हमें माइक्रोसॉफ्ट अजूर की फ्री RDP क्रिएट करना सिखाएं। अब माइक्रोसॉफ्ट अजूर की फ्री RDP बनाने के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है, अदरवाइज आप उसमें फ्री RDP नहीं बना सकते। लेकिन आप परेशान नहीं होना, आज इस प्लेटफॉर्म की मैं आपको फ्री RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो टोटली माइक्रोसॉफ्ट अजूर जैसा ही वर्क करती है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म में आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टोटली माइक्रोसॉफ्ट अजूर जैसी होगी, मतलब के ये टोटल कस्टम RDP होगी। आज जो मैं आपको RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा वो उसमें आपको 32 GB रैम मिलेगी। रैम भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं इस फ्री RDP में। उसके अलावा सर्वर आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करोगे, विंडो सर्वर रखना चाहे, उबंटू रखना चाहे, वट एवर जो आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो। मेमोरी आप अपनी मर्जी से इसके अंदर एडजस्ट करोगे, 100 GB लेना चाहते हो, 50 GB लेना चाहते हो, जितनी आपको जरूरत है वो आप अपनी मर्जी से इसमें एडजस्ट करोगे। उसके अलावा फुल आपको एडमिन एक्सेस मिलेगी, आप अपने PC में इसको लॉग इन कर लें या उसका यूजर नेम पासवर्ड किसी और को सेंड कर दें, वो लॉग इन करना चाहे वो लॉग इन कर सकता है, मतलब कि टोटली पेड RDP की तरह वर्क करेगी जैसे एक पेड RDP होती है। आज हम गूगल क्लाउड की फ्री RDP बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऑफिशियल मेथड है। गूगल क्लाउड की फ्री RDP बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने आज की वीडियो आखिर तक लाजमी से देख लेनी है। अगर अभी तक आप लोगों ने पैसे कमाओ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे 11,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो जल्दी से 11,000 हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। आज की इस वीडियो पे हम 200 लाइक्स का एम रख रहे हैं, तो जल्दी से अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो और वीडियो को शेयर कर दो। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं आ चुका हूँ अपने PC में। तो सबसे पहले अपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास मेरा गूगल क्लाउड स्किल का अकाउंट ओपन है। इसकी मैं प्रोफाइल पर आता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास 25 फ्री क्रेडिट है। अब गूगल क्लाउड के अंदर फ्री RDP बनाने के लिए आपके पास क्रेडिट का होना जरूरी है, अदरवाइज आप यहाँ पर फ्री RDP नहीं बना पाओगे। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं सिखा रहा, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से अकाउंट क्रिएट नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर फ्री क्रेडिट नहीं मिलेंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि अकाउंट आपने कैसे बनाना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने हमारा चैनल ओपन करना है, पैसे कमाओ चैनल ओपन करना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ये वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको कम्प्लीट गूगल क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, लाइव आपको इसके अंदर फ्री क्रेडिट लेना सिखाया है। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल जाकर ये वीडियो देख लेनी है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये मेथड बताया हुआ है। तो आज की वीडियो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, तो आज मैं आपको जस्ट RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा 32 GB रैम वाली। तो आपने सिंपल वो वीडियो जाकर देख लेनी है और आपको यहाँ पर फ्री क्रेडिट मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपको फ्री क्रेडिट मिल जाए और आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ जाए, अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल एक्सप्लोर पर जाना है। अब मैं आपको एक्चुअल RDP क्रिएट करना सिखाने लगा हूँ, ठीक है। बड़े ध्यान से आपने वीडियो देखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर आकर टाइप करना है कुछ, आपने यहाँ पर टाइप करना है वर्चुअल मशीन। जैसे आप VIRTU लिखोगे तो यहाँ पर आपको ये नीचे नजर आ जाएगा वर्चुअल मशीन, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप वर्चुअल मशीन सर्च करोगे, आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल कर रहा है और आपने इस लैब पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने लोडिंग होगी और कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इस फ्री RDP को बनाने के लिए आपके यहाँ पर तकरीबन 5 क्रेडिट यूज होंगे और इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होगी वो होगी 1.5 घंटे की, ठीक हो गया। अब आपने RDP बनाने के लिए सिंपल स्टार्ट लैब पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपने कैप्चा फिल करना है, यहाँ पर ये कैप्चा आता ही होता है, तो आपने इसको लाजमी से फिल करना है।
तो जैसे आप कैप्चा फिल कर लो आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है और आपने RDP बनाने के लिए लॉन्च विद 5 क्रेडिट पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने लोडिंग होगी और आपकी यहाँ पर जो लैब है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से पासवर्ड को कॉपी करना है। पासवर्ड कॉपी करने के बाद ओपन गूगल क्लाउड कंसोल पर आपने राइट क्लिक करना है और न्यू टैब में इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम आ जाते हैं तो सिंपल यहाँ पर ये आपसे साइन इन करवाएगा, तो आपने सिंपल कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है और आपने आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आपके सामने लोडिंग कंप्लीट होगी तो आपके सामने गूगल क्लाउड कंसोल का इंटरफेस शो हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पर कुछ भी क्लिक नहीं करना, आपने इन दोनों को यहाँ पर चेक कर देना और एग्री एंड कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। बड़े ध्यान से आपने देखनी है, यहाँ से मैं आपको कस्टम RDP क्रिएट करना सिखाने लगा हूं। जैसे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाए, आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर कंप्यूट इंजन पर आना है। उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर आकर VM इंस्टेंस पर आ जाना है। ठीक हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी, हो सकता है आपके सामने यहाँ पर कुछ और इंटरफेस हो, तो आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। सिंपल आपने क्रिएट इंस्टेंस पर आ जाना है। अब हम अपनी मर्जी की यहाँ पर फ्री RDP क्रिएट करेंगे, मतलब के कस्टम RDP हम क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी मर्जी से रैम एडजस्ट करनी है, तो इसको पकड़ कर आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है। अब यहाँ पर आपको प्रीसेट मिल जाता है और कस्टम का ऑप्शन मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप कस्टम RDP बनाओगे तो आपने कस्टम पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ इसको। अब यहाँ पर आपको कोर मिल जाते हैं और यहाँ पर नीचे मेमोरी। अब जो मेमोरी ये आपकी रैम है बेसिकली, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इस कोर को थोड़ा सा पकड़कर आगे की तरफ लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पर हम 4 कोर की RDP बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मैंने 4 कोर सिलेक्ट कर लिया है। उसके अलावा जो रैम होगी वो हम यहाँ पर रखेंगे 32 GB। ठीक है, ये देख ले आपके सामने मैंने 32 GB रख दिया है और यहाँ से आपकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 32 GB सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने OS एंड स्टोरेज पर आना है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर सर्वर अपनी मर्जी से एडजस्ट करोगे और मेमोरी भी अपनी मर्जी से इसमें ऐड करोगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, चेंज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको डेबन मिल रहा है, उसके अलावा लिनक्स मिल रहा है, जो 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 इस टाइम दुनिया में सर्वर है वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। या आपको Ubuntu Pro मिल जाता है। मैं आपको विंडो RDP क्रिएट करना सिखाऊंगा, तो यहाँ पर मैं विंडो सर्वर सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको तमाम विंडो सर्वर के जितने भी वर्जन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मैं लेटेस्ट ही लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2025 ही रखूंगा। उसके बाद मेमोरी की बारी आ जाती है, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जितनी मेमोरी रखना चाहें वो भी आप रख सकते हो। तो मेरे लिए 50 GB इनफ है, तो यहाँ पर मैं इसको डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो सेटिंग है यहाँ पर हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्किंग में आना है और आपने इन तीनों चेक्स को यहाँ पर चेक कर देना है। उसके बाद सिंपल आपने एडवांस में आ जाना है और सिंपल आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना। अब आपका यहाँ पर जो RDP है, जो आपका सर्वर है, वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो चंद मिनट या चंद सेकंड के लिए आपने यहाँ पर वेट करना है। इतना आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ऑलराइट, यहाँ पर हमारा जो सर्वर है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर हमें हमारा IP भी मिल चुका है और यूजर नेम और पासवर्ड भी मिल चुका है। अब आपने फ्री RDP लॉगिन कैसे करनी है, अच्छा यहाँ पर अब आप चाहें तो इसका यूजर नेम IP एड्रेस कॉपी करके अपने किसी दोस्त को भेज दें, वो भी लॉगिन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हो। लाइक वैसे ही काम करेगी जैसे एक पेड RDP वर्क करती है। तो RDP को लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है छोटे से, और यहाँ पर आपने डाउनलोड द RDP फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आपने अगेन इस छोटे से एरो पर आना है और सेट विंडोज पासवर्ड पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर सेट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिल जाएगा आपकी RDP का पासवर्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग करता है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो पासवर्ड है वो मिल जाता है लाइक दिस। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करके यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। यूजर नेम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने RDP फाइल को डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो उसके अंदर आपका जो IP एड्रेस है और आपका जो यूजर नेम है वो ऑटोमेटिकली ऐड होता है। तो सिंपल आपने यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पासवर्ड जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड पेस्ट कर दिया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारी जो RDP है, जो गूगल क्लाउड की RDP है, जो फ्री है, वो 100% यहाँ पर ओपन हो चुकी है, लॉगिन हो चुकी है। अब देखें आपके सामने लोडिंग हो रही है। अभी आपके सामने जो लेटेस्ट विंडोज सर्वर है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये गूगल क्लाउड की RDP है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली वैसे वर्क करती है जैसे माइक्रोसॉफ्ट Azure की RDP वर्क करती है। ठीक हो गया, अभी आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं लेनी। यहाँ पर कुछ आपके सामने
ओपन होगा। ये देखें आपके सामने ये ओपन हो चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसको क्रॉस कर देना है। अब आपके पास जो आपकी फ्री RDP है वो आपके सामने ओपन हो चुकी है। अब आप जो चाहें इसके अंदर कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पर सब कुछ चीजें बारी बारी चेक करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस फ्री RDP की रैम वगैरह चेक करवा देता हूँ। उसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे अबाउट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमने रैम रखी थी 32 GB, हमें इस फ्री RDP के अंदर रैम मिल चुकी है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो इंटेल का है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो। और जो विंडो सर्वर है वो 2025 है, जो हमने RDP बनाते वक्त रखा था। ठीक हो गया, अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब आपको इसकी मैं मेमोरी दिखा देता हूँ। 50 GB मैंने सिलेक्ट की थी, तो देख लेते हैं हमें 50 GB मिली है या नहीं। सिंपल दिस PC में आते हैं और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 50 GB हमें मेमोरी मिल चुकी है। तो इसके अंदर मेरा जितना भी डाटा है वो मैं यहाँ पर स्टोर इजीली कर सकता हूँ। अब इंटरनेट चलाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउजर में आना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से क्रोम ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको जल्दी से कंटिन्यू करके ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम इसके अंदर क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैं क्रोम सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने क्रोम सर्च कर लिया। अब इस फर्स्ट वेबसाइट को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम अपने जो क्रोम ब्राउजर है उसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम इसको इंस्टॉल कर सके। ठीक हो गया, यहाँ पर आप लोगों के सामने देखें हमारा जो सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। अब सिंपल हम यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने देखें जो हमारा क्रोम ब्राउजर है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। अब आप इस RDP के अंदर जो चाहे अपनी मर्जी से जो सा चाहे वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। ये मैंने आपको क्रोम करके दिखा दिया है। क्रोम हो गया मतलब कि कोई भी आप इसके अंदर कर सकते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। और राइट, यहाँ पर हमारा जो क्रोम ब्राउजर वो इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब सबसे पहले यहाँ पर गॉट इट पर आपने क्लिक करना और यहाँ से आपका जो क्रोम ब्राउजर है वो इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको आपका IP एड्रेस चेक करवा देता हूँ कि इस फ्री RDP में हमें कौन सा IP एड्रेस मिला है। तो सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने माई IP एड्रेस सर्च कर लिया है और इस फर्स्ट वेबसाइट को हम न्यू टैब में ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सिटी है वो डेलस है और जो रीजन है वो ऑरेगन है और जो कंट्री है वो यूनाइटेड स्टेट, मतलब कि USA की हमें ये फ्री RDP देखने को मिली है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपको चेक करवा देता हूँ इंटरनेट स्पीड तो भाई कमाल होगी, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। यहाँ से हम स्पीड टेस्ट सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल fast.com वाली वेबसाइट को न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें कितनी GB की स्पीड मिलती है। भाई गूगल क्लाउड कंसोल की RDP है, इसमें आपको GB में ही इंटरनेट मिलेगा। मिनिमम आपको 2 GB का इंटरनेट मिलता है इस फ्री RDP में, जिसमें आप अपना कोई सा भी हैवी टास्क भी इजीली परफॉर्म कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 1.7 GB का आपको इंटरनेट मिल रहा है जो कि काफी ज्यादा फास्ट स्पीड है। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आप जो चाहे इस फ्री RDP में कर सकते हो। 32 GB रैम है, आप यहाँ पर YouTube चला लो, जो आप चलाना चाहो वो आप चला सकते हो। अब आप यहाँ पर काम करना चाहते हो और आपको क्रोम की काफी ज्यादा प्रोफाइल्स की जरूरत है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। मेरे पास एक टूल है, वो मैं RDP के अंदर लेकर जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे पास ये वाला एक टूल है, मैं यहाँ से सिंपल इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम अपनी RDP में जाएंगे और यहाँ लाकर मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब वो टूल जो है हमारी RDP के अंदर आ जाएगा। ये देखें आपके सामने, बेसिकली ये क्रोम प्रोफाइल जनरेटर है। डबल क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये एक क्लिक के अंदर आपके जितने भी आपको क्रोम की प्रोफाइल चाहिए वो जनरेट कर देगा। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ, भाई मुझे आप एक क्लिक के अंदर 60 प्रोफाइल्स क्रिएट करके दे दो। ठीक है, मैंने यहाँ पर 60 लिख दिया है। उसके बाद मैं सिंपल क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो वो एक क्लिक के अंदर मुझे यहाँ पर देखें आपके सामने 60 उसने मुझे क्रोम की प्रोफाइल जनरेट करके दे दी है, जो कि हमने गूगल क्लाउड की फ्री RDP के अंदर क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने कोई रैंडम ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि भाई ये वर्क कर रहा है, आप इसके अंदर जो भी काम करना चाहो वो इजीली कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पर ये आपके सामने ओपन हो चुका है। तो ये थी आज की ये वीडियो। टोटली ये RDP वैसे वर्क कर रही है जैसे एक पेड RDP वर्क करती है, टोटली वैसे वर्क कर रही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर की RDP वर्क करती है। तो कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। लाइक एम मैंने आपको बताया हुआ है, 200 लाइक्स का एम है, जल्दी से 200 लाइक कंप्लीट करवाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।